नमस्कार, आप सभी का डेली अपडेट में स्वागत है। आज का दिन राजनीति से भरा दिन रहा। दिल्ली की संसद में आज हंगामा कटा। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गए थे, तो वहां पर उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया था, जिस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इटली से आने के बाद सबसे पहले कोरोना की जांच करानी चाहिए, क्योंकि वह दंगा प्रभावित क्षेत्र में गए। तो रमेश बिधूड़ी ने राजनीति करते हुए कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच के लिए राहुल गांधी पर एक बयान दिया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हुआ। वहीं पर आज राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी एक ऐसा बयान दिया जिससे लोकसभा में हंगामा बढ़ गया। उनका कहना है कि इटली से आए हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों को कोरोना वायरस की जांच करानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में 21 फरवरी के दिन इटली से कुछ पर्यटक आए थे राजस्थान में, तो उनमें जब कोरोना वायरस की जांच कराई गई तो 17 पर्यटक ऐसे थे जो संक्रमित पाए गए। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आज इस तरह का बयान देकर पूरी तरह से कांग्रेस को खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने लोकसभा में जबरदस्त हंगामा काटा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि इस तरह का कोई भी बयान लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं है। फिर विपक्ष के तमाम नेता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी, किसी ने तो यहाँ तक कहा कि हनुमान बेनीवाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो किसी ने इस तरह के हल्के शब्दों के प्रयोग का भी विरोध किया। वहीं हनुमान बेनीवाल की माना जाता है कि यह पहले भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान में विधायक बने थे, अभी नया इनका राजनीतिक करियर है और उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनकी खुद की है और वह नागौर जिले के रहने वाले हैं और वहीं से वह सांसद चुने गए। लेकिन जिस तरह से इटली पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर राजनीति शुरू हो गई है, यह एक इस तरह के स्टेटमेंट विपक्ष को एक मौका देने जैसा है और इसके बाद लोकसभा में कार्रवाई भी प्रभावित होती है। इसी तरह लगातार मेरे साथ नए नए अपडेट के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए और नए नए वीडियो प्राप्त करते रहिए। नमस्कार।